सैलरीड क्लास एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि इस बार बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब रेट में यहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ यानी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों केस में यहां पर 2.5 लाख रुपए तक रखी गई है। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। तो यहां पर सैलरीड क्लास एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो लिमिट है, जो 2.5 लाख की लिमिट है, उसको यहां पर हो सकता है बजट 2023-24 में बढ़ाकर 5 लाख तक की भी कर दी जाए। न्यू टैक्स रिजीम है जिसको यहां पर एनकरेज करने के लिए यहां पर कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर अलाउड किया जाए, या उसकी जो टैक्स रेट है या स्लैब रेट है उसको यहां पर बढ़ोतरी की जाए। दोस्तों, हर साल एक आम आदमी इंतजार करता है अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट, ताकि यूनियन बजट में होने वाले जो भी चेंजेस है ना ही उसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं बल्कि नेशन में होने वाले ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं। इस बार बजट, यूनियन बजट 2023-24 अनाउंस यानी प्रेजेंट किया जा रहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जो है निर्मला सीतारमन जी। 1 फरवरी 2023 को यह बजट जो है अनाउंस किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे सैलरीड क्लास एम्प्लॉय है जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार इनकम टैक्स के उनको रिलीफ मिले जो भी अपकमिंग बजट आने वाला है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्टैटिस्टिक्स जारी किया गया है जिसके अंदर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय जो है वो 50% से ज्यादा यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए 2022-23 के अंदर। तो दोस्तों, इस बार एक्सपेक्टेड किया जा रहा है सैलरीड क्लास एम्प्लॉय की तरफ से कि यहां पर जो यूनियन बजट आने वाला है जिसके अंदर कुछ बेनिफिट्स और कुछ फायदा इनकम टैक्स रिलीफ जो है उनको यहां पर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं कि सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए कौन सी रिलीफ जो है, जो एक्सपेक्टेशन यहां पर रखी गई है। 6 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं जिसके अंदर सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज के लिए यहां पर जो है बजट के अंदर हो सकता है यहां पर जो रिलीफ दी जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर बजट 2023 इनकम टैक्स एक्सपेक्टेशन फॉर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि यहां पर जो लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, वो यहां पर इंक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं क्या यहां पर लिमिट है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की रखी गई है। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 16IA के तहत यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय 50,000 की रखी गई है, यानी अगर आप एक सैलरीड पर्सन तो सीधे 50,000 की यहां पर छूट ले सकते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर आपकी इनकम यहां पर 2.5 लाख से ऊपर होती है, समझ लीजिए मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे 3 लाख की है, तो उस केस में यहां पर 50,000 आप डिडक्शन ले सकते हो। 2.5 लाख की आपकी स्लैब लिमिट है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि यहां पर जो 50,000 की जो लिमिट है यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो यहां पर बहुत समय से यहां पर बढ़ाई नहीं गई है, जिसको यहां पर बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो लिमिट है वो 50,000 से इंक्रीज करके जो है 75,000 कर देनी चाहिए, बिकॉज यहां पर इन्फ्लेशन को देखते हुए और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां पर इंक्रीज हुई है सभी लोगों की, उसको देखते हुए यहां पर जो लिमिट है इतना बढ़ाना चाहिए जरूर। इसके अलावा यहां पर एक अल्टरनेटिव भी दिया गया है। क्या है अल्टरनेटिव? कि यहां पर अगर आप फिक्स अमाउंट नहीं बढ़ाना चाहते, यानी 10,000, 20,000 या 25,000 फिक्स अमाउंट नहीं बढ़ाना चाहते, तो यहां पर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है हर साल एनुअली जो यहां पर इंक्रीज किया जा सकता है। तो यह भी एक अल्टरनेटिव जो है एक्सपर्ट के मानना है कि यहां पर जो सैलरीड क्लास को यहां पर जो बेनिफिट दिया जाना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 है, उसको यहां पर बढ़ाकर जो है 25,000 यहां पर कर देना चाहिए, या फिर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हर सालाना यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहां पर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है। उसी के साथ जो यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लोगों का रहन सहन है, वो भी यहां पर बढ़ते हुए देखते हुए यहां पर कुछ एग्जम्पशन, कुछ छूट यहां पर मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो सेविंग बेस टैक्स डिडक्शन को यहां पर इंक्रीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि यहां पर जो भी टैक्स डिडक्शन है, नॉर्मली यहां पर जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉय है वो यहां पर अपना टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर फिक्स डिपोजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ में, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, सेविंग ऑप्शंस है जो यहां पर सेक्शन 80C के अंदर दिए गए हैं, जो यहां पर लिमिट रिस्ट्रिक्टेड करती है 1.5 लाख रुपए तक, यानी कितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपको 1.5 लाख से ज्यादा की यहां पर छूट नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, यहां पर बजट 2014 के बाद इस लिमिट को अभी तक इंक्रीज नहीं किया गया है, यानी 8 साल से ज्यादा का समय हो गया पर ये जो 1.5 लाख की लिमिट है अभी की बनी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर सेक्शन 80C के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, सेविंग लेते हैं, डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो
यहाँ पर आप डिडक्शन 1.5 लाख तक का ही ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट के मानना है कि ये जो 1.5 लाख की लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ाकर 2 लाख तक की कर देनी चाहिए। बहुत समय यहाँ पर बीत चुका है लेकिन अभी तक इस लिमिट को जो है इंक्रीज नहीं किया गया। उसको देखते हुए यहाँ पर सैलरीड क्लास को यहाँ पर बेनिफिट देते हुए जो सेक्शन 80C के जो डिडक्शंस जो यहाँ पर अलाउड किए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, ट्यूशन फीस के यहाँ पर अलाउड किए जाते हैं, अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपको रिपेमेंट की छूट मिलती है, ये सभी मिलाकर 1.5 लाख की जो छूट मिलती है उसको यहाँ पर बढ़ाकर 2 लाख तक की कर देनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर रेजिंग होनी चाहिए जो 300 लिमिट दी गई है 50,000 रुपए फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड पेंशन स्कीम। तो यहां पर सेक्शन 80CCD 1B के तहत अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है और आप यहां पर जो है 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। जो ये 50,000 की छूट है वो ओवर एंड अबव यानी एडिशनल छूट यहां पर दी गई है आपको, यहां पर सेक्शन 80C के अलावा यानी 1.5 लाख के अलावा यहां पर 50,000 की और यहां पर आप छूट ले सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी स्पेसिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त करी गई है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है स्पेसिफाइड पेंशन स्कीम लेते हैं तो यहां पर आपको एडिशनल 50,000 की छूट मिलती है जो सेक्शन 80C के अलावा यहां पर एडिशनल आपको डिडक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो 50,000 की जो लिमिट है उसको यहां पर बढ़ाकर सरकार को 1 लाख रुपए तक कर देनी चाहिए ताकि जो रिटायरमेंट प्लान के अंदर बहुत लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एनकरेजमेंट हो और यहां पर जो एक बेनिफिट जो है सैलरीड क्लास पर्सन को भी मिलना चाहिए। तो यहां पर जो लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन सॉरी जो 50,000 की जो लिमिट है यहां पर कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं स्पेसिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जिसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की कर देनी चाहिए। इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ अ सर्टेन अलाउंसेस है। तो यहां पर सैलरी हेड के अंदर बहुत सारे अलाउंसेस यहां पर अलाउड किए जाते हैं एक सैलरीड इंप्लॉय को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन के हिसाब से। लेकिन यहां पर जो चिल्ड्रन अलाउंस जो दिया जा रहा है आज के प्रेजेंट एजुकेशन कॉस्ट को देखते हुए बहुत ही कम है, यहां पर इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत ही कम यहां पर है। 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन यहां पर एजुकेशन अलाउंसेस यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी गई है, यहां पर कोई भी सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं किया गया। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए एजुकेशन कॉस्ट को देखते हुए यहां पर इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो एक्सपर्ट का मानना है कि यहां पर एक रेशनलाइज होना चाहिए, यहां पर जो एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है और भी बहुत सारे अलाउंसेस है जिनमें यहां पर इंक्रीमेंट होनी चाहिए ताकि एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज के लिए यहां पर बेनिफिट यहां पर दिया जाए इनकम टैक्स रिलीफ के अंदर। तो बजट 2023-24 के अंदर हो सकता है एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो भी अलाउंसेस है वो इसमें यहां पर जो छूट दी जाए। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो एक सैलरीड क्लास की एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर उसे टैक्स एग्जम्पशन की छूट मिलनी चाहिए फॉर होम बायर्स के लिए। तो यहां पर अगर आप एक होम बायर से लोन लेते हैं, घर का लोन लेते हैं, तो ईएमआई डिडक्शन यहां पर आपको 2 लाख रुपए तक का मिलता है। अगर आप ईएमआई चुकाते हैं जो भी इंटरेस्ट यहां पर आपका आता है 2 लाख तक की आपको छूट मिलती है सेक्शन 24B के तहत। इसी के साथ यहां पर सेक्शन 80C के अंदर अगर आप प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप घर यहां पर लोन पे लेते हैं तो इंटरेस्ट का यहां पर सेक्शन 24B के अंदर आपको 2 लाख तक की छूट मिलती है और सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है इसमें यहां पर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, सैलरीड एम्प्लॉयज को यहां पर जो बेनिफिट दिया जाना चाहिए, इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दी जानी चाहिए। तो उसके लिए यहां पर जो 24B की जो लिमिट है 2 लाख वो बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए और इसी के साथ यहां पर सेक्शन 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए वो बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे। तो यहां पर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि इस बार बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब रेट में यहां पर बहुत बड़ी रिलीफ यानी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर हमारी ओल्ड और प्रेजेंट यहां पर दोनों ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब दोनों दी गई है जिसके अंदर ओल्ड के अंदर यहां पर आपको 5% 20% और 30% की टैक्स रेट रखी गई है और इसी के साथ न्यू अगर स्लैब रेट की बात करें तो यहां पर 5% 10% 15% 20% 25% और 30% तक रखी गई है। ओल्ड स्लैब रेट में यहां पर जो लिमिट है वो 10 लाख तक मैक्सिमम यहां पर लिमिट रखी गई, उसके ऊपर आपको हायर टैक्स लगता है और इसी के साथ ही यहां पर जो न्यू स्लैब रेट है जिसके अंदर यहां पर 15 लाख तक का हायर स्लैब रेट रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों केस में यहां पर 2.5 लाख रुपए तक रखी गई है, अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। तो यहां पर सैलरीड क्लास एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो लिमिट है जो 2.5 लाख की लिमिट है उसको यहां पर हो सकता है बजट 2023-24 में बढ़ाकर 5 लाख तक की भी कर दी जाए। इसके अलावा यहां पर और भी
बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसको यहां पर एनकरेज करने के लिए यहां पर कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर अलाउड किया जाए या उसकी जो टैक्स रेट है या स्लैब रेट है उसको यहां पर बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों इस बार बजट 2023 जो इसके अंदर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन यहां पर जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने बात करी सैलरीड क्लास एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन यहां पर बजट 2023 जो इसमें क्या क्या होने वाली है, 6 पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस किए, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी जो है रिलीफ या फिर डिडक्शन एग्जम्पशन यहां पर अलाउ किए जाने चाहिए सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए। अगर इन 6 पॉइंट के अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और भी डिडक्शन एग्जम्पशन या कोई और रिलीफ यहां पर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय को देनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।